आज हम फोटोशॉप के टॉप 10 न्यू फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत इन डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप का जो नया वर्जन लॉन्च हुआ है, वो जो नए वर्जन में जो कुछ टॉप न्यू फीचर्स दी है, जो बहुत ही हमारे काम के डिज़ाइनिंग के लिए, एडिटिंग के लिए और बहुत से अलग अलग VFX एनिमेशन में भी अलग अलग जो ऑप्शंस नए अपडेट हुए हैं, उसके बारे में टॉप जो 10 फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगा। टॉप 10 फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर्स हमारे पास रहेगा वो है 360 डिग्री पेनोरामा व्यू में जो अलग अलग नए अपडेट आए हैं। फिर दूसरा जो है वो फिल्टर मेनू में कैमरा रो फिल्टर कर में करके जो ऑप्शंस है उसमें 3 नए ऑप्शंस ऐड हुए, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट जो ऑप्शन नया आया उसके बारे में बताऊंगा। फिर टेक्स्ट टूल में वेरिएबल करके जो टैक्स ने ऐड किए हैं उनका यूज़ क्या है और हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको पेन टूल के नीचे जो नया टूल्स ऐड हुआ है कर्वेचर पेन टूल उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल्स में दूसरे दो ऑप्शन ऐड हुए हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। ब्रश टूल के बारे में बताऊंगा, ब्रश टूल में एक नया ऑप्शन ये ऐड हुआ है स्मूदनिंग, इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे उसके ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। सिमेंट्री के बारे में बताऊंगा आपको कि व्हाट इज सिमेंट्री, एक नया ऑप्शन ऐड किया है एडोबी फोटोशॉप 2018 1.9 वर्जन में, जो दो नया ऑप्शन आया है सिमेंट्री उसके बारे में बताऊंगा। तो ये मेरे हिसाब से इतने जो नए ऑप्शन ऐड हुए हैं। फिर टूल्स में थोड़े बहुत कैसे हमें कस्टमाइज़ करना है उसके बारे में बताऊंगा। और 3D में कुछ एक दो ऑप्शंस नए आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों अपना सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा सबसे पसंदीदा कोई अगर फोटोशॉप में जो नया ऑप्शंस अपडेट हुआ है वो है पेनारोमा व्यू, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से एक फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाएंगे और यहाँ पे मैंने HDR फाइल जो है वो नेट से डाउनलोड करके रखी है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये भी 360 डिग्री पेनारोमा व्यू का ये फाइल है फील्ड व्यू। अब हम इसको डायरेक्टली 3D में पेनारोमा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं और इसमें हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत इन डेप्थ बताऊंगा। तो सबसे पहले फाइल ओपन करने के बाद आपको 3D मेनू में जाना है। 3D में यहाँ पे स्फेरिकल पेनारोमा ऑप्शंस जो दिया है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पेनारोमा लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर इसको यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो पूरा जो हमारा व्यू है वो चेंज हो जाएगा वर्क प्लेस। ये मुझे फोटोशॉप ये पूछ रहा है कि यू आर अबाउट टू क्रिएट अ 3D लेयर, वुड यू लाइक टू स्विच टू द वर्क प्लेस इनटू 3D। तो मैं यहाँ से बताऊँगा नो, क्योंकि मेरा जो वर्क प्लेस मैंने सेट किया है वो ऑलरेडी बराबर है, मुझे 3D के रिलेटेड वर्क प्लेस नहीं सेट करना है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो पूरा पेनारोमिक व्यू सेट हो चुका है। आप यहाँ से कुछ भी इसको 360 डिग्री में इसको आप रोटेट कर सकते हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं। 3D कैमरा ऑर्बिट यहाँ पे दिया है, पैन द 3D कैमरा मूव एंड डॉली द 3D कैमरा, तीनों ऑप्शन यहाँ पे अब एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी कि हमारा 3D जो व्यू है वो एक्टिवेट हो चुका है। जैसे मुझे यहाँ पे इसको जूम करना है थोड़ा सा, तो यहाँ से हम डॉली कैमरा से जूम कर सकते हैं, थोड़ा मेरा सिस्टम जो है स्लो हो चुका है 3D एक्टिवेट होने के बाद। अब हमें इसमें कुछ भी एडिट करना हो तो भी हम कर सकते हैं, वो डायरेक्टली हमारे जो 3D पेनारोमिक व्यू है उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा पूरे में। तो किस तरह से हम इसमें एडिट कर सकते हैं, जैसे हमें ये वाला पोर्शन जो है उसको एडिट करना है,
तो एडिट करने का इसका थोड़ा सा मेथड अलग है, वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इसमें कुछ भी एडिट करेंगे या तो फिर कुछ भी नया क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली इसी में अपडेट हो जाएगा, तो ऐसा ना हो और हमारा ओरिजिनल जो इमेज है वो वैसा का वैसा रहे। तो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे स्फेरिकल मैप जो लिखा है यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो स्फेरिकल मैप है वो ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लेयर में आ जाएंगे और इसका लॉक ओपन करके इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर दूंगा, और यहाँ से एक नया लेयर लेके अब मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं यहाँ 3D में जाके इसमें चेंज करूँगा। जैसे मुझे सपोज इसमें कुछ भी ऐड करना है, अपडेट हो रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट मेरा, हो गया। अब मैं यहाँ से कोई भी अपना टूल यूज़ कर सकता हूँ, जैसे पैच टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, जैसे मुझे स्पॉट निकालना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये स्पॉट हमारा निकल जाएगा अभी यहाँ से। तो आप कोई भी 36 डिग्री में आपने कुछ भी इमेज लाए हैं और उसको एडिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे मत एडिट कीजिए, आप स्फेरिकल मैप में चले जाइए और यहाँ पे जाने के बाद आप जो कुछ भी एडिट किए करेंगे वो इसी पे इसी में डायरेक्ट आएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे बंद चालू हो रहा है क्योंकि मैंने जो एडिट किया था वो मेरे अलग लेयर में हो रहा है। तो कभी भी आपको एक ही लेयर में इसमें वर्क नहीं करना है, जब कभी भी आपको कोई भी स्फेरिकल चीज़ को या तो फिर 3D के पोर्शन को कुछ भी आपको एडिट करना है तो हमेशा स्फेरिकल मैप जो है इस पर आपको डबल क्लिक करना है और उसको अलग से एक नया फाइल में जाके फिर आपको उसको अपडेट करना है। यहाँ जाके आप कुछ भी करो, जैसे यहाँ से मुझे अभी इसको थोड़ा कलर एडजस्टमेंट देना है तो मैं स्फेरिकल लेयर में के जो मेरा इमेज था उसमें आ गया, और यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ कि जैसे मुझे इसमें एक्सपोज़र जो है इसका कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से हम एक्सपोज़र कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह का कुछ मुझे चाहिए। तो यहाँ से मैं अभी इसको सिलेक्ट करके यस दूंगा तो ऑटोमेटिकली जो ये अपडेट होगा वो हमारे सीधा ही पेनोरामिक व्यू में अपडेट हो जाएगा और वो भी अलग लेयर में होगा। तो यानी कि हमारे पास ओरिजिनल जो सोर्स है वो एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा, हमें कुछ भी ओरिजिनल सोर्स जो है हमारा वैसा का वैसा रहेगा, तो हमारा हमारे पास ओरिजिनल जो इमेज है वो एज इट इज़ रहेगी। इसलिए कुछ भी अगर आपको इसमें एडिट करना है तो आप हमेशा स्फेरिकल मैप में जाके उस पर डबल क्लिक करने के बाद फिर उसमें लेयर वाइज ही आप वर्क करो। हो गया है, अब यहाँ से आप देख रहे हो कलर जो था पूरा वो चेंज हो चुका है। यहाँ से हम मूव टूल लेंगे, मूव टूल आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद ही फिर आप इसको मूव रोटेट या तो फिर रोटेट कर सकते हो। अब यहाँ पे वो एरर बता रहा है, क्यों क्यों इसलिए ये एरर इसलिए आई कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया था लेकिन जो मेरा टारगेट क्लियर था, कुड नॉट एडिट द टेक्सचर डायरेक्टली, प्लीज ओपन द टेक्सचर्स एंड चूज एन एडिटेबल टारगेट क्लियर टू प्रोसेस। अगर मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर डाला था और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे बता रहा है कि आप एडजस्टमेंट लेयर पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको अगर कुछ भी करना है तो प्लीज़ एक नया लेयर ऐड कीजिए और उसके बाद फिर ही आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मूव टूल लेंगे तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं, देख के आप इसमें एक्सपोजर मैंने चेंज किया था वो ऐड हो चुका है। इसी तरह आप टेक्स्ट टूल का भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट इसमें लिख सकते हो डायरेक्टली तो वो भी 360 डिग्री में टेक्स्ट रोटेट होगा, कुछ भी आप एडिट कर सकते हो। किस तरह से, तो सिंपल आपको स्फेरिकल मैप जो है उसमें जाना है, वहाँ पे ही आपको कुछ भी एडिट करना है और वो एडिट करने के बाद ही फिर आपको यहाँ आके इस डायरेक्टली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो इसी के अंदर ऐड हो जाएगा और वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये सबसे पहला अपडेट जो था वो मैंने आपको बताया फोटोशॉप 2018 में, किस तरह से आप डायरेक्टली पैनारोमिक व्यू 360 डिग्री व्यू को आप
अपडेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करना हो, नया लेयर लेके टेक्स्ट कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, रीटचिंग कर सकते हो आप यहाँ से, नया लेयर लेने के बाद ही करो। कुछ भी करना है तो आप डायरेक्टली, जैसे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखने हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगा। लेकिन जब कभी भी आप टेक्स्ट लिखो तब आपको वहाँ पे जो आपका टारगेटेड लेयर है वो आपका स्पेरिकल मैप में वहाँ पे नया लेयर होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ भी करें। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा अपडेट आया था पेनारोमिक 360 डिग्री व्यू का, वो मैंने आपको बताया। तो चलिए दूसरों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा अपडेट। दूसरा अपडेट जो है वो बहुत ही सुपर है, ज़्यादा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो अपडेट। क्यों? तो वो जो अपडेट है वो है हमारा कैमरा रॉ फिल्टर, यानी कि हम कुछ भी इमेज को एडिट करते हैं, कुछ भी हम इमेज के रिगार्डिंग हमें कुछ भी चेंज करना हो कलर, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, कैमरा रो फिल्टर में ही हमें मास्किंग का ऑप्शन दे दिया है। तो जिस तरह से सिर्फ मुझे बैकग्राउंड का ही हल्का कलर चेंज करना है, इसमें कुछ भी कलर चेंज नहीं करना है, सिंपल बैकग्राउंड में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, तो फिर सपोज़ मुझे बैकग्राउंड में कुछ हाईलाइट चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड के रिलेटेड मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो सिंपली मैं डायरेक्टली अब कैमरा रो फिल्टर में से कर सकता हूँ। कैसे करेंगे आइए दोस्तों देखते हैं। फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से कैमरा रो फिल्टर लूँगा मैं। कैमरा रो फिल्टर जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे तीन नए ऑप्शन ऐड हो चुके हैं कैमरा रो फिल्टर में, जो मास्किंग के रिगार्डिंग है। थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम। तो ये हमारा कैमरा रो ऐड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीन नए ऑप्शंस आए, एक एडजस्टमेंट ब्रश है एंड सेकंड ग्रेडियंट फिल्टर है और थर्ड रेडियल फिल्टर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मास्किंग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रश या तो फिर रेक्टेंगल या तो फिर सर्कल को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कौन से पोर्शन को मास्किंग करना है। आप नीचे यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे ऑटो मास्क ऑन होना चाहिए और यहाँ से मास्किंग आप ऑन कर दो। मास्किंग ऑन करने के बाद यहाँ पे हल्के हाथों से धीरे धीरे जिस चीज़ को भी आपको मास्क करना है उसको घुमाओ आप। तो इसके ऊपर मास्किंग हो रहा है अभी, देख सकते हैं आप। तो ये मास्किंग मेरा हो चुका है, पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे इमेज को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से मास्किंग ऑन हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट रेंज, मास्क रेंज एक डिफाइन करूँगा, कलर मास्क चाहिए आपको, ल्यूमिनस मास्क चाहिए, मुझे अभी कलर मास्क चाहिए। यहाँ से आई ड्रॉपर का आप सिंबल देख रहे हैं, इसको ऑन कर देना है, अभी बाय डिफॉल्ट ये ऑन है। और फिर आपको अल्टर प्रेस करके जो कलर आपको नहीं मास्किंग में रखना है, यानी कि जिसके ऊपर इफेक्ट हमें देनी है, उतने पोर्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके। तो ये मेरा जो जितने पोर्शन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है वो सारा मास्क हो गया है, बाकी का जो उसके अलावा जो पोर्शन था वो अनमास्क हो चुका है। अब मैं यहाँ से मास्किंग ऑफ कर दूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि कितना पोर्शन जो है वो मेरा मास्क हुआ है, बाकी का कितना नहीं हुआ है। यहाँ से आप डायरेक्टली ऑल्टर दबा के भी इसको ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके मास्किंग को देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम कलर जो भी हमें एडजस्टमेंट करना है, जैसे मैंने मास्किंग निकाल दिया, डी सिलेक्ट किया है, अब मुझे इसका टेम्परेचर चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर वो सब चेंज हो रहा है, वो सिर्फ मैंने जो मास्किंग किया हुआ पोर्शन था उसी का हो रहा है। एक्सपोजर जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ बैकग्राउंड का ही हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो इमेज थी वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो पोर्शन है वो मेरा मास्क किया हुआ है और ये पोर्शन जो है मैंने अनमास्क किया था। यहाँ से मैं हाईलाइट थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा एक्सपोजर कम करना है, इसको थोड़ा कलराइज करना है, थोड़ा ब्लू स्काई की ओर ले जाना है। तो इस तरह से आप ब्रश का यूज़ करके या तो फिर आप ग्रेडियंट का यूज़ करके या तो फिर रेडियल फिल्टर का यूज़ करके किसी भी चीज़ को आप मास्क करके तो उसी पोर्शन में आप चेंज कर सकते हो। ये एक नया अपडेट आया है 2018 में, 2018 में
फोटोशॉप में। तो ये तीन ऑप्शन जो नए थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे ओके देंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने चेंज किया है फोटोशॉप में। अब हम देखेंगे हमारा आज का तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो है वो हमारा टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल में इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया है कि अब टेक्स्ट टूल जो है उसमें आप डायरेक्ट वेरिएबल दे दिए। वेरिएबल यानी कि आप उसी जैसे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो उसमें वेरिएबल आता है, उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो तो उसके अंदर हम पैरामीटर स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। उसी तरह फोटोशॉप में आप डायरेक्टली टेक्स्ट टूल में आप वेरिएबल जो टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्ट करके फिर आप उसमें आपको कुछ भी हाइट उसका चेंज करना है, कुछ भी उसका विथ चेंज करना है, उसका वेट चेंज करना है, उसका विथ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है। याद रखना है आपको टेक्स्ट कैरेक्टर में नहीं जाना है, टॉगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ्स पैनल में आपको नहीं जाना है, आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। ये नया ऑप्शन आया है 2018 में। प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ओपन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे अलग अलग तरह के टेक्स्ट दिख रहे हैं। उसमें यहाँ पे एक एक्यूम वेरिएबल कॉन्सेप्ट करके ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे तीन नए ऑप्शन ऐड दिए। जैसे इसका मुझे वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना हो तो आप वेट बढ़ा सकते हो। जैसे इसका विथ मुझे कम करना है, एकदम विथ कम करना है, ज़्यादा करना है, इसका वेट भी मुझे कम कर देना है, एकदम कर्सिव पतले से एकदम राइटिंग चाहिए, वेट ज़्यादा रखना है लेकिन विथ कम रखना है, तो फिर विथ कम रखना है और वेट ज़्यादा रखना है। तो आप इन शॉर्ट में आप किसी भी टेक्स्ट को उसका वेट आप कम कर सकते हो, विथ ज़्यादा कर सकते हो, हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, उसको स्लांट करना हो तो आप स्लांट भी कर सकते हो। ये सब पहले फोटोशॉप में नहीं था, अब तक के जितने भी वर्जन आए हैं फोटोशॉप में इसमें ये ऑप्शन नहीं था। तो ये टेक्स्ट की एक नई प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है वेरिएबल, जिसमें आप ये तीन वेरिएबल यहाँ पर हमें दिए, विथ वेट और स्लांट, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शंस। तो मैं दोस्तों आपको तीन ऑप्शन बता चुका हूँ, अब हम जाएंगे हमारे चौथे ऑप्शंस की ओर। और वो जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल में दो नए ऑप्शन इन्होंने ऐड किए हैं, एक तो यहाँ पे स्मूथनिंग जो है वो ऐड किया है इतना पोर्शन, और दूसरा आप यहाँ पे बटरफ्लाई वाला जो सिंबल देख रहे हैं वो ऑन किया है। ये ऑप्शन आपके फोटोशॉप में अब तक नहीं आया होगा क्योंकि ये आपको ऑन करना पड़ता है। कहाँ से ऑन करेंगे, एडिट में जाएंगे आप, एडिट में जाके यहाँ से आपको जाना है प्रेफरेंसेस और यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी प्रीव्यू। टेक्नोलॉजी प्रीव्यू में जाके चारों ऑप्शन आपको ऑन कर देने, अगर ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। जैसे ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे ब्रश टूल के यहाँ पे बटरफ्लाई का सिंबल आ जाएगा और ये हमारा ये सिमेट्री ऑन है। और फर्स्ट हम यहाँ से सिमेट्री के बारे में जान लेते हैं कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो सिमेट्री के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज आपके लिए ला के रखी है। तो इस तरह का हमें सिमेट्री में कुछ भी ऐड करना है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। हाँ, सिमेट्री आप पहले ऑन कर लो। सिमेट्री ऑन करने के बाद ब्रश टूल में जाओ। अभी मैं इसका स्मूथनेस है वो थोड़ा कम कर देता हूँ, 1% कर देता हूँ। सिमेट्री में आपको किस तरह का सिमेट्री बनाना है, न्यू वर्टिकल सिमेट्री चाहिए तो आप वर्टिकल सिमेट्री भी ऐड कर सकते हो। इस तरह का कुछ कि हमें एक साइड में कुछ भी ड्रॉ करूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया, अब मैं एक साइड यहाँ से कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ। एक साइड जैसे मैंने यहाँ पे इस साइड ड्रॉ किया तो ये दोनों साइड ड्रॉ हो रहा है मेरा, देख सकते हैं आप। तो ये है हमारा सिमेट्री टूल्स। इस तरह से हमें 360 डिग्री में कुछ भी ड्रॉ करना है, वो हॉरिजेंटली करना है तो हॉरिजेंटली भी हम कर सकते हैं, वर्टिकली मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है तो हम वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो ये एक नया ऑप्शन ऐड किया है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ड्राइंग्स को, आप ग्राफिक पैड है अगर आपके पास तो आप इसका बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। ड्यूल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड से आपको ड्रॉ करना है, कुछ न्यू डायगोनल, न्यू वे, न्यू सर्कल में आपको कुछ भी ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो सर्कल वे में दोनों साइड ड्राइंग हो जाएगा मेरा। तो इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं।
मैं आपको ये पूरा डिज़ाइन थोड़ा बहुत बना के दिखाऊंगा, जो मैंने इससे पहले एक लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने ये डिज़ाइन आपको बना के बताया था थोड़ा बहुत। तो इस जैसे सिमेट्री का यूज़ करके हम सिमेट्री जो हमारा नया ऑप्शन आया है फोटोशॉप में, उसका यूज़ करके हम कैसे सिमेट्री का जो नया ऑप्शन आया है उसका हम यूज़ करके कैसे फोटोशॉप में हम ये सिमेट्री पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत आपको डेमो बताऊंगा। तो यहाँ से हम सिमेट्री में जाएंगे और यहाँ से मैं लूँगा न्यू पैरेलल लाइन सिमेट्री या तो फिर न्यू ड्यूल एक्सिस सिमेट्री, को सिमेट्री जो लेना है वो आप ले सकते हो। न्यू पैरेलल लेना है तो आप पैरेलल भी ले सकते हो अगर आपको। सर्कल में लेना है तो आप सर्कल में ले सकते हो। ट्रांसफॉर्म सिमेट्री लेना है तो आप ट्रांसफॉर्म सिमेट्री भी ले सकते हो। इसका लॉक आप ओपन कर दीजिए, यहाँ से आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, एक नए फाइल में ले लेते हैं। नए फाइल में लेने के बाद मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें हम बनाएंगे, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ से ब्रश टूल में जाएंगे, यहाँ से सिमेट्री में जाएंगे, ब्रश टूल लेंगे। हम देख सकते हैं किस तरह से दोनों साइड जो है वो ड्राइंग हो रहा है मेरा। तो ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो मैं अब आपको बना के दिखाता हूँ। थोड़ा ब्रश टूल में हम जाएंगे, ब्रश टूल में यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म सिमेट्री और यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ब्रश टूल लेंगे, इस साइड का मैं अभी कुछ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज दोनों साइड हो जाएगा। इस साइड मैंने क्लिक किया था, इस साइड का हो जाएगा। इस साइड हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो परफेक्टली उसी साइड होगा। यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपके लिए, आपको इसके लिए ग्राफिक टैब चाहिए, अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक टैब है तो आप इसका बहुत ही अच्छी तरह से 360 डिग्री में आप यूज़ कर सकते हो। मैं अभी, मेरे पास ग्राफिक टैब जो है वो है नहीं एक्चुअल में, तो मैं अभी जो ये माउस से ही कर रहा हूँ। इस तरह से आप तीनों पूरे 360 पूरा जो हमारा एंगल है उस सभी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, बहुत ही फटाफट आपका पूरा जो डिज़ाइन है वो हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जिसका हम यूज़ करके ऐसा कुछ 360 डिग्री में हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे फोटोशॉप में नाम दिया है ब्रश टूल में सिमेट्री, आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया सिमेट्री के बारे में। तो एक ये दोस्तों ऑप्शन था। अब हम दूसरा जो ऑप्शन है वो ब्रश टूल में ही है और वो है हमारा टेक्स के रिगार्डिंग है। एक ब्रश का जो ऑप्शन आया है ब्रश में वो है स्मूथनेस।
मैं जीरो रखूंगा तो अभी स्मूथनेस जीरो है, और जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ी इसकी स्मूथनेस बढ़ाऊंगा तो ये बहुत ही परफेक्ट सुपर इफेक्ट हमें बना के देगा ब्रश टूल। तो मैं यहाँ से आपको ब्रश टूल में स्मूथनेस जो इसकी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, एक नया लेयर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं कुछ आपको नाम लिख के दिखाता हूँ। देखिए आप, इस तरह से आपका जो पूरा ब्रश है वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये एक नया ऑप्शन ऐड किया है एडोबी ने स्मूथनेस ऐड करने के लिए, कि आपको कोई भी आपका ब्रश टूल से अगर आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें अगर मुझे कोई स्मूथनेस ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं। इस स्मूथनेस का यूज़ करके इस तरह का कुछ मैं आपको बना के दिखाऊंगा जी। जैसे मैं यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, स्मूथनेस जो है 100% रखनी है, और सेटिंग में जाके आपको स्ट्रोक कैचअप, यानी कि जो भी मैं यहाँ से अभी स्ट्रोक दे रहा हूँ उसको कैचअप करे, उसको पकड़े, वो ऑप्शन एक आपको। तो अब ब्रश टूल में जो हमारे पास वेट ब्रश टूल में, आप यहाँ से प्रॉपर्टी में स्मूथनेस कम ज़्यादा करके आप बहुत इस तरह का अच्छा कुछ कर्सिव राइटिंग में आप राइटिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से एकदम स्मूथ आउट फ्लो देना है मुझे, कुछ भी स्मूथ ड्राइंग करना है, कुछ भी एकदम जो उसका ड्राइंग है हमारा वो परफेक्ट स्मूथ होना चाहिए। मैं ग्राफिक टैब से कोई भी कार्टून बना रहा हूँ और कार्टून जो है परफेक्टली स्मूथ ड्रॉ होना चाहिए, तो आप एक्चुअल में इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से उसका स्मूथनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हो। जितना आप स्मूथनेस बढ़ाओगे ब्रश टूल उतना ही हैवी होगा, लेकिन जो उसका ड्राइंग होगा वो आप देख सकते हो इतना स्मूथ होगा, इतना स्मूथ होगा। और ये जो फाइन आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन दिया है। आप डायरेक्टली इस तरह का कुछ स्मूथनेस ऐड कर सकते हो हमारे डिज़ाइन में, हमारे फेस में कुछ भी हमें ऐड करना है, एकदम डिटेलिंग में ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ से प्रेशर के हिसाब से भी ये वर्क करता है कि आप कितनी देर तक आप प्रेशर जो है वो वहाँ तक आप प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप स्मूथनेस का ऐड कर सकते हो। इस तरह से मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं स्मूथनेस का ऐड करके, और कर्सिव राइटिंग भी ऐड कर सकते हैं, और ड्राइंग करना हो तो ड्राइंग भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको स्मूथनेस किस तरह की चाहिए, लेकिन हाँ वह बहुत ही मज़ेदार टूल्स, ज़बरदस्त टूल्स हैं। 2018 में ये सबसे पॉपुलर शायद होगा मेरे हिसाब से स्मूथनेस वाला टूल। तो इसको हम कुछ टेक्स्ट पे यूज़ करके देखेंगे, और इसके थोड़े बहुत ऑप्शन भी है। स्ट्रोक कैचअप मैंने चालू रखा है, और एडजस्टमेंट जूम कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड तक रखना है, तो आप यहाँ से एंड तक जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एंड तक ये कैचअप करेगा धीरे धीरे, तो वो भी ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो। पूल स्ट्रिंग मोड भी आप ऑन कर सकते हो, जैसे मैं पूल करूँगा तो इस तरह का कुछ मुझे पूरा स्ट्रिंग बताएगा। आप देख सकते हो पूरी पर्पल कलर की जो लाइन आ चुकी है उसको आपको बताएगा कि कहाँ से कहाँ कितना स्ट्रिंग हो रहा है आपका। इस तरह के कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। अभी मैं पूल कैचअप ऑन कर देता हूँ, मैंने दो ऑप्शन ऑन रखे, स्ट्रोक कैचअप एंड एडजस्टमेंट, और मैं इस तरह का यहाँ पे अभी कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ओपेसिटी 100% है, फ्लो 100% है, ब्रश का डिरेक्शन जो है वो मेरा सही है, तो आप देख रहे हो मेरा ब्रश परफेक्ट स्मूथनेस में मैं कर्सिव राइटिंग जो है वो लिख रहा हूँ। तो इस तरह का कुछ आप स्मूथनेस का जो ये नया ऑप्शन आया है उसका यूज़ करके मेरे हिसाब से आप इस तरह का कुछ कर्सिव राइटिंग है, कुछ आपको रीड्राइंग करना है तो आप एकदम स्मूथली कर सकते हो, परफेक्ट होगा, बहुत ही अच्छा होगा, स्मूथली आपका ड्राइंग होगा। पहले इस तरह का ऑप्शन कुछ नहीं था फोटोशॉप में ब्रश टूल में, तो हमें इलस्ट्रेटर का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब हम यहाँ पे ये ऑप्शन ऐड आ गया है, हो गया है, तो इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली इसी में हम फॉन्ट जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने जी का कुछ ड्राइंग किया इस तरह से, जी बना सकते हैं आप, कोई भी आपको ऐड करना है GSFX जो मेरे चैनल का नाम है वो पूरा मैं इस तरह से बना सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ा बहुत स्मूथनेस के बारे में बताया, ब्रश टूल में जो दो नए ऑप्शन आए हैं
उसके बारे में बताया, सिमेट्री के बारे में बताया। तो हम दोस्तों मेरे हिसाब से हम सबसे पहले हमने देखा पैनारोमा व्यू, पैनारोमा के बारे में मैंने आपको बताया 360 डिग्री ऑप्शंस। उसके बाद मैंने रो फिल्टर के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको टेक्स्ट टूल में जो वेरिएबल का नया ऑप्शन आया उसके बारे में आपको बता दिया। फिर यहाँ पे हमने ब्रश टूल में दो ऑप्शन देखे, सिमेट्री एंड स्मूथ। टोटल हमारे 6 ऑप्शन हो चुके हैं, 4 बाकी है। 4 में से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर जो पेन टूल है वो बहुत ही, कर्वेचर कुछ भी हमें ड्रॉ करना है, कट करना है, फोटोग्राम जो भी ड्रॉ करना है, तो हम बहुत ही उसका जो फोटोशॉप का खुद का अल्गोरिदम है जिसको कहते हैं उसकी स्मार्टनेस है, रोबोटिक जो उसकी स्क्रिप्ट है वो उसका यूज़ करके हमें ऑटोमेटिकली कुछ सुपर अच्छा एक कटिंग आउटपुट दे के देगा, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक दो इमेज रखी है आपके लिए डेमो दिखाने के लिए, एक ये इमेज है और ये दूसरी ये इमेज है। तो ऐसा कुछ कुछ कर्वेचर शेप है जिसको आप इसका यूज़ करके, कर्वेचर पेन टूल का यूज़ करके आप बहुत ही स्मार्टली कट कर सकते हो। कैसे, मैं एक भी दूसरी कोई क्लिक नहीं करूँगा, लेकिन ये पूरा ग्लासेस जो है मेरा ऑटोमेटिक कर्वेचर पेन टूल से ऑटोमेटिकली कैसे वर्क करता है उसका एल्गोरिथम, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया, फिर एक हल्का सा क्लिक मैंने यहाँ पे किया, आपको इसके टर्न को पहचानना है कि किस तरह से टर्न लेता है। फिर मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक मैंने यहाँ पे किया, एक नज़दीक कर दिया और नज़दीक कर दिया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, एक क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ, एक क्लिक में यहाँ पे। ज़्यादा गैप नहीं रखना है, आप याद रखिएगा कहाँ से आपका टर्न हो रहा है उसी को आपको ड्रॉ करना है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है, तभी इसमें परफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। आपको थोड़ी इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि इस किस तरह से वर्क करता है। जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ज़्यादा टर्न ले रहे हैं, तो ज़्यादा टर्न नहीं लेना है आपको, खुद ब खुद इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना किस तरह से टर्न लेके फिर वर्क करना है। लेकिन बहुत ही सुपर है ना, तो आपको अल्टर से हैंडल निकालने की ज़रूरत है। इससे पहले मैंने आपको पेन टूल का एक डेमो दिया था, वो आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं यहाँ पे अभी लिंक आपको दी है मैंने ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में भी और इसमें भी दिया है हुआ है मैंने, तो यहाँ से आप पेन टूल का मेरा जो डेमो है वो देख सकते हो। लेकिन कर्वेचर टूल जो है बहुत ही सुपर है, आप देख रहे हो मैं किस तरह से परफेक्टली जो मेरा पिक्चर था, पिक्चर है उसके हिसाब से मेरा कटिंग हो रहा है, ना तो मुझे ऑल्टर कहीं पे दबाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप इसमें कुछ भी आगे नहीं कर सकते हो। फिर आप यहां से इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट टू पॉइंट सिलेक्शन टूल लेके आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ अगर हमें कटिंग करना है तो वो हम कर्वेचर पेन टूल का यूज़ करके कर सकते हैं। ये एक नया ऑप्शन आया है और इसको दिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक दूसरी भी ये इमेज रखी थी, इसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ अगर आपको कट करना है तो भी आप कर्वेचर पेन टूल का यूज़ करके कर सकते हो। देख सकते हो किस तरह से हो गया ये, इस तरह का मुझे कुछ इमेज कट करना है तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। शिफ्ट दबा के मैं ये पूरा जो है अल्टर दबा के मैंने हैंडल निकाल दिया, शिफ्ट दबा स्ट्रेट लाइन करनी है मुझे। थोड़ा टफ है, आपने जितना सोचा होगा उस तरह से इतना इजी नहीं है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। अल्टर दबा के आप इंडिविजुअल पोर्शन को भी आप मैनेज कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको कुछ कट करना है, कुछ ड्रॉ करना है ऐसा, तो आप कर्वेचर पेन टूल का यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद हमारे पास दूसरा अपडेट जो फोटोशॉप में आया है सबसे जबरदस्त फोटो कटिंग, एक ही क्लिक करने से पूरा जो पिक्चर है वो कट हो जाता है, पूरा पिक्चर जो कट तो नहीं लेकिन सिलेक्ट हो जाता है। इससे पहले भी मैंने उसके लिए अलग अलग ट्यूटोरियल जो है वो बनाए हैं, आपको पता होगा वन क्लिक का ये जो मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट पे पूरा बनाया हुआ है, एक ही क्लिक से आप कैसे पूरे जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी एक नया फीचर से। और क्विक सिलेक्शन टूल में भी एक क्विक सिलेक्शन टूल में भी नया ऑप्शन दिया है इन लोगों ने सिलेक्ट एंड मास्क में, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत तो बताऊंगा। तो एक मेरे पास ये इमेज है, इस इमेज का यूज़ करके मुझे इसको थोड़ा बहुत परफेक्ट कट करना है, तो जो फोटोशॉप का एल्गोरिथम है जो उसका यूज़ करके हम कैसे पूरी इमेज को स्मार्टली इसको कट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो अपडेट आया है उसके बारे में बताऊंगा। तो हम क्विक सिलेक्शन टूल में जाएंगे और यहाँ से मैं डायरेक्ट कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सिलेक्ट एंड मास्क में जाना है। जैसे आप सिलेक्ट एंड मास्क में जाओगे तो अभी यहाँ पे ये ओनियन स्किन आ रहा है, ओपेसिटी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आपको इस तरह का कुछ नहीं चाहिए तो आपका ओवर ले लो। और यहाँ से ये क्विक सिलेक्शन टूल है, जितने पोर्शन को मुझे सिलेक्ट करना है उसको मैं फटाफट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ आपको ड्रैग ही करना है इसके ऊपर कि मुझे इस तरह का कुछ चाहिए, इसको नहीं करना है तो आप अल्टर दबा के यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जितना मैंने ये पोर्शन जो अल्टर दबा के किया है वो सिलेक्ट नहीं करेगा, बाकी का ये अल्टर दबा अल्टर के बिना जो मैं कर रहा हूँ उसमें वो ऑटोमेटिकली अपना सिलेक्शन जो है उसको ऐड कर देगा। तो ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, अब धीरे धीरे मैं हटा रहा हूँ कि इतना पोर्शन मेरा जो सब्जेक्ट है वो इतना ही है, इतना फोटोग्राफ जो है उसको मुझे परफेक्ट कट करना है। अब यहाँ पर तक तो हमने परफेक्ट किया, लेकिन इसके नीचे के यहाँ ने दूसरा टूल ऐड किया है, रिफाइन एज ब्रश टूल। ये इसका एल्गोरिथम जो है वो चेंज हो चुका है, अब जैसे ही इसके ऊपर धीरे धीरे घुमाएंगे तो ये जो फोटोशॉप का खुद का स्क्रिप्ट है, खुद का जो ये डेवलपमेंट है वो डिसाइड करेगा कि भाई यूज़र जो है उसको ये वाली चीज़ चाहिए जिसके ऊपर वो माउस जो है वो चला रहा है, ये वाली मुझे चीज़ चाहिए, इतना पोर्शन ये चाहिए, ऑटोमेटिकली वो पूरा पिक्चर जो है उसमें से हमें कौन सी चीज़ चाहिए उसको वो रखेगा खुद, और जो नहीं चाहिए उसको निकाल देगा। जैसे मुझे ये हेयर की डिटेल जो है वो चाहिए तो वहाँ पे मेरा ब्रश धीरे धीरे मैं मूव कर रहा हूँ तो वो उतने पोर्शन को स्मार्टली जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, बाकी के पोर्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका स्मार्ट वर्क है। फिर आप यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट भी देख सकते हो किस तरह का आउटपुट आएगा, तो उस तरह का आप आउटपुट भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। तो इस तरह का कुछ आ रहा है, स्मार्ट रेडियस आपको अगर ऑन कर देना है, स्मूथनेस थोड़ी बहुत चाहिए, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बहुत अगर आपको रखना है, शिफ्ट एज करना है थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो इस तरह का कुछ आउटपुट आएगा। और जैसे हम यहाँ से न्यू लेयर विथ लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा और बैकग्राउंड कट हो जाएगा। एक नया लेयर लूँगा मैं, और नया लेयर लेने के बाद इसमें हम कलर ऐड करेंगे, कलर मैंने ऐड कर दिया है नया लेयर लेने के बाद, पेन बकेट टूल लिया। तो आप देख सकते हो कि कितने इजी तरीके से फोटोशॉप ने मुझे ये इमेज कट करके दिया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर था फोटोग्राफ्स, अगर मैं कोई ये तरीका मुझे पता नहीं है तो मैं फिर ये पिक्चर को ऐड नहीं कर पाता इस तरह से। तो एक नया फीचर्स ऐड हुआ है फोटोशॉप में कि इस तरह से वो स्मार्टली वर्क करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से बैकग्राउंड कट हो गया। और इसमें फिर आप जाके मास्किंग में जाके आप ब्रश टूल लेके कुछ भी सब कुछ आप बदल भी सकते हो, वो सब आपको पता है और आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रश जो हमारा टूल है उसमें मैं आपको बताना भूल गया कि ग्रुप वाइज भी अब जो ऑप्शन जो है वो नया आ चुका है कि ग्रुप के हिसाब से आप पूरे ब्रशेस जो है उसको आप सेट कर सकते हो, खुद के ब्रशेस बना के खुद के ग्रुप के अंदर ग्रुप भी आप बना सकते हो, पूरा ब्रश को मैनेज कर सकते हो इस तरह से, वो भी एक नया अपडेट है फोटोशॉप 2018 में। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो क्विक सिलेक्शन टूल है उसमें आप यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क करके
यहाँ से जो नया ऑप्शन आया रीडिफाइन एंड अल्गोरिदम जो इसका चेंज हुआ है पूरा, उसका आप जरूर यूज़ कीजिएगा। तो ये हमारा शायद मेरे हिसाब से 8वां टिप्स था मेरा आज के लिए। और जो सबसे लास्ट में हमारा जो टिप्स है फोटोशॉप 2018 में जो अपडेट है वो है हमारा सबसे ज़बरदस्त, सबसे परफेक्ट जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है वो है हमारा फोटोशॉप 2018 सीसी में जो नया वर्जन आया है उसमें क्यूब सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट का यूज़ करके भी आप एक ही क्लिक में पूरे सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप सिलेक्ट सब्जेक्ट का यूज़ करके भी आप पूरे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑप्शन आया है फोटोशॉप 2018 में सिलेक्ट सब्जेक्ट या तो फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट, उसका मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिंक दे देता हूँ कि किस तरह से आप इसका परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 ये ट्यूटोरियल को आप ज़रूर देखिएगा। ऐसे मैंने दो ट्यूटोरियल बनाए हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट के, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये मेरा सेशन जो है वो अच्छे लग रहे हो, वीडियो मेरे जो अच्छे लग रहे हो, आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज जो है वो मिल रहा हो मेरे इस चैनल से, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ मिल के देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट।